हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 6 हिंदी विशिष्ट का फुल सोल्यूशन बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, कक्षा 6 हिंदी विशिष्ट का वर्कशीट का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न एक। आप जानते हैं कि हमारे आसपास की सभी वस्तुओं, स्थानों और प्राणियों के कुछ ना कुछ नाम होते हैं जिनसे हम उन्हें पहचानते हैं। इसी तरह वस्तुओं और प्राणियों के प्रति हमारे भावों भावनाओं के भी नाम होते हैं। आप अपने परिवेश के अनुसार 5-5 संज्ञाओं को निम्नलिखित तालिका के अनुसार लिखिए। तो यहाँ पर दिया हुआ प्रकार, संज्ञा, नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा में रमेश, सुरेश, पूजा, रोहित, आरती। जातिवाचक में मोबाइल, टीवी, पुस्तक, ट्रक, पेन। फिर इसके बाद दिया हुआ स्थानवाचक में गांव, स्कूल, बगीचा, नदी और शहर। फिर इसके बाद दिया हुआ भाववाचक में गरीबी, अमीरी, दोस्ती, मिठास, अच्छा। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर मन के किसी भाव को व्यक्त करने वाले चेहरे का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर ये दोस्तों फिगर बना हुआ है रोने का, तो इसको बना लीजिए अपनी कॉपी में। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप अपनी पाठ्यपुस्तक के किन्हीं दो पाठों से आए संज्ञा शब्दों को खोजकर लिखिए। तो दिया हुआ है यहाँ पर उत्तर क्रमांक, पाठ का नाम, खोजकर लिखे गए शब्द, संज्ञा शब्द। तो पहला क्रमांक यहाँ पर दिया हुआ है एक, पाठ का नाम जली जीवन है, खोजकर लिखे गए संज्ञा शब्द राजेंद्र, वरदान, देवताओं। दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर नई सुबह, बदनामी, गीता, लड़के। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, घर रसोई घर में उपलब्ध ऐसी 5 चीज़ों या मसालों के नाम और उनके औषधीय उपयोग नीचे बनी तालिका में लिखिए, जिनका उपयोग घरेलू स्तर पर दवा या औषधि के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रम संख्या, मसाले का नाम, वस्तु, औषधि के रूप में किस काम आती है। तो ये दोस्तों दिया हुआ लौंग, दांत दर्द इलाज में, काली मिर्च सर्दी खांसी उपचार में। फिर इसके बाद इलायची, सौंठ। जल्दी से नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चन के उत्तर। फिर इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है उपरोक्त वस्तु मसालों के विषय में जानकारी एकत्र करिए, एकत्र कर लिखिए कि यह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उत्पादन कैसे किया जाता है। तो उत्तर दिया हुआ है इसका, भारत में कुल मसालों के उत्पादन में धनिया, जीरा, मेथी व अजवाइन के उत्पादन में राज्य की भागीदारी क्रमशः 71.20%, 52.30% है। इसलिए भारत में मसालों के क्षेत्र एवं उत्पादन में राजस्थान की महत्वपूर्ण स्थिति है। मसालों का उत्पादन सूखे बीज, पत्तियों, फूलों, छाल, जड़ों, फलों के रूप में किया जाता है। इसके बाद यह मसाले उत्पादन केरल, राजस्थान है। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nitya.study.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।